एनएस और युवक बने प्लाज्मा डोनर। मुरादाबाद में कोरोना से जंग जीतने वाले एक ट्रेनी आईपीएस ने पीएमओ में बने प्लाज्मा बैंक में अपना प्लाज्मा डोनेट करके एक शुरुआत कर दी है। उनके प्लाज्मा से अब जो कोरोना संक्रमण से गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। मुरादाबाद मंडल में बने इकलौता प्लाज्मा बैंक में दो डोनर ने पहुंचकर प्लाज्मा डोनेट करके पीएमओ के प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कर दी। दरअसल मुरादाबाद की हिमगिरी कॉलोनी निवासी गौरव त्यागी 2019 बैच के आईपीएस है और वे इस समय हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहे हैं और पिछले दिनों दिल्ली से लौटते हुए संक्रमित हो गए थे। वो 28 जून को संक्रमित आए, उन्हें इलाज के लिए टीएमयू में भर्ती कराया गया था। इस बीच उन्होंने ड्यूटी कर रहे डॉक्टर्स की मेहनत को देखकर ठान ली थी कि ठीक होने पर वो अपना प्लाज्मा दान करके मानव और समाज सेवा जरूर करेंगे। इसी तरह मुरादाबाद के ही सतीश कुमार नाम के व्यक्ति ने भी अपना प्लाज्मा डोनेट करके दो लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया है। इस समय इन दोनों डोनर ने अपना प्लाज्मा दिया तो वहाँ मौजूद डॉक्टर्स और स्टाफ ने तालियां बजाकर इनका स्वागत किया। ट्रेनी आईपीएस गौरव त्यागी ने आगे बढ़कर कहा कि वो और लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रेरित जरूर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं कटघरे सिमन हजारीका रहने वाला हूँ। मैं कोविड-19 पेशेंट रह चुका हूँ। मुझे पता लगा है कि मेरे प्लाज्मा से और मरीज भी सही हो सकते हैं, तो मैं अपनी सुरक्षा से अपना प्लाज्मा डोनेट करने आया हूँ जिससे और मरीजों की जान बच सके। मैं प्लाज्मा दे चुका हूँ, मुझे 1 घंटा हो चुका है और मैं अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हमारे टीएमयू में बहुत शानदार सुविधा है, बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो आप भी जो भी कोविड-19 पेशेंट रह चुके हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करने की कृपा करें और लोगों की जान बचाने का कष्ट करें। तो नाम क्या है? गौरव त्यागी। गौरव त्यागी, हाउ ओल्ड आर यू? 25 इयर्स। 25। आप हमारे यहाँ से कब डिस्चार्ज हुए थे कोविड-19? 7 जुलाई को। आपको सिम्टम्स क्या थे जिसलिए आप यहाँ भर्ती हुए थे? नोज ब्लॉकेज, माइल्ड फीवर एंड देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। कितने दिन तक ये फीवर रहा था? फीवर तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन ही रहा था, बट लास्ट में आके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो गया था। आपको जो ये कैसे सोचा कि हम औरों की भी हेल्प करें, अब हम बीमार हो चुके हैं तो दूसरों की भी हेल्प करें? जॉब ही, आई एम सिविल सर्वेंट, तो कम्स बाय नेचर। आप पढ़ते थे तो इससे आपको पता है कि आपको इस जो प्लाज्मा देने से कितने मरीजों को फायदा होगा जो कि सीरियस हो जाएंगे कोविड के? आपने बताया दो लोगों को फायदा होता है, तो ये हम लोगों को आगे आना चाहिए जिसको जरूरत है, ये तो कैसे काम चलेगा? डेफिनेटली हम लोगों को आगे आना चाहिए। अभी आपने जो ये भी प्लाज्मा डोनेट किया तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई इशू तो नहीं है, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं उसी टाइप से ही फील हो रहा है। तो आप पहले भी दे चुके हैं ब्लड? हाँ, मैंने पहले दिया। कितने साल पहले दिया था आपने? ऑलमोस्ट 4 साल पहले दिया। हाँ, तो उसमें बस टाइम कम लगा होगा, इसमें टाइम ज्यादा लगा है, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं।